तो दोस्तों बात कर रहे हैं ड्रीम इलेवन को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप न्यू अकाउंट बना सकते हो, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है ड्रीम इलेवन से लोगों ने करोड़ों रुपए भी जीते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो भाई ने दीप नाम का इंसान है जिसने 1 करोड़ जीता, आनंद नाम का इंसान है जिसने 2.5 करोड़ जीता, और यहाँ पर फाइनली वीरपाल नाम का इंसान है जिसने 1 करोड़ जीता है। तो यार देखो आपको कैसे क्या करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ड्रीम इलेवन से रिलेटेड अकाउंट कैसे बनाना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। तो देखो ड्रीम इलेवन एक लीगल एप्लीकेशन है जिससे अगर आप अर्निंग करते हो तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे क्या करना है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, डोंट वरी। चैनल पर नए होंगे तो कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर तो प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है, या फिर आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर से आप जाकर डायरेक्ट ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर सकती हो। तो यहाँ पर आपको मात्र 51 MB का ये एप्लीकेशन देखने को मिलता है और आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो फाइनली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। रजिस्टर कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, वो भी चीज़ें मैं अभी आपको बता दूंगा। फाइनली हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ डिटेल्स डालने होंगे, प्ले पर आप लोगों को क्लिक करना है। प्ले पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो फाइनली यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश, हिंदी जानते हो तो हिंदी, अगर आप कन्नाड़ा जानते हो तो मराठी जानते हो, जो भी आप जानते हो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो। मैं इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना। गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्त। जी हाँ, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है आई क्लैरिफाई डैट आई एम एबव 18 ईयर्स, मतलब अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो तभी आप इस एप्लीकेशन का यूज करना दोस्तों के, क्योंकि एक तरह का बोल सकते हो जुआ टाइप का ही बोल सकते हो कि ना। तो आपको यहाँ पर नंबर डालना है। ओके, जो भी आपका नंबर है आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर नंबर जो है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ, और जैसे ही आप नंबर फिल कर दोगे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है दोस्त। नंबर डालने के बाद सीधा से कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर आएगा OTP। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने OTP यहाँ पर मंगा लिया है, और यहाँ पर जैसे ही अलाउ पर क्लिक करूँगा OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। या फिर आप पर अगर आप दूसरे फ़ोन में हो तो आप वहाँ पर OTP को मैनुअली भी डाल सकते हो, कि अपने हिसाब से भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको डालना है यू आर ऑल सेट टू प्ले। जी हाँ, यहाँ पर आप खेलने के लिए तैयार हो। स्टार्ट योर न्यू इनिंग विथ ड्रीम इलेवन, टेल अस योर नेम। तो आप यहाँ पर नेम डाल देना दोस्त, आप नेम वही डालना जो आपके आधार कार्ड में नेम होगा, याद रखना। तो मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ सन्नी कुमार। ओके, क्योंकि मेरा नाम सन्नी कुमार है तो यहाँ पर मैं सन्नी कुमार डालूंगा। और यहाँ पर सेव नेम पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, या फिर आप लेटर पर भी क्लिक कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम एंट्री करोगे तो आप फाइनली यहाँ पर मेंशन किया गया है यू हैव गॉट 90% ऑफ ऑन द फर्स्ट मैच। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई सा भी मैच खेलते हो तो आपको फर्स्ट मैच पर 90% ऑफ दिया जा रहा है। मान लो अगर आप कोई मैच खेल रहे हो 10 रुपये का, तो आपको मात्र वहाँ पर 1 रुपया लगने वाला है। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर 100 रुपये का होता है तो वहाँ पर मात्र 10 रुपया लगने वाला है। या लेट्स प्ले पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर चले आओगे, जो भी मैचेस वगैरह हो रहे हैं ना यहाँ पर देख सकते हो गाइस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पर है, जितने भी मैचेस होने वाले हैं या हो रहे हैं सब कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर आपको गेम के, अगर आपको मैच के बारे में नॉलेज होगा तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। अपकमिंग मैचेस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन टॉप 20 लीग है, यहाँ पे 60 करोड़ यहाँ पर देख सकते हो। और फाइनली अभी जो है MI और RR के बीच में यहाँ पर मैच चलने वाला है, तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर 7:30 से जो है मैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, सीधी सी बात है, जो भी मेंशन होता है यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर 7:30 से मैच स्टार्ट होगा, और 8 घंटे 44 मिनट अभी टाइम बचा पड़ा है। तो आपको उसके पहले जो है यहाँ पर आपको टीम बनाना पड़ेगा दोस्त। जी हाँ, ये मैच जो स्टार्ट होने वाला होता है ना, उससे पहले आपको टीम बनाना पड़ता है। आपको टीम बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको मैच के बारे में पता है ना,
मैच के बारे में पता है तो आपको सीधा से क्या करना है, देखो आपको मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, ओके ना, आपको कुछ मैं बताता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो है मनी वॉलेट में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। अब पैसा जमा होगा कैसे दोस्त, ये बात आती है, ये सवाल आता है। तो पैसा जमा करने के लिए देखो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको यहाँ पर कूपन कोड ऊपर में ऑप्शन आता है, और यहाँ पर आपको कोई भी डिपॉजिट का ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर नहीं है, जो कि देख सकते हो कहीं पर भी डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं है, और बैक करोगे तो पूरी तरह से बैक आ जाओगी। तो मतलब डिपॉजिट का ऑप्शन कहीं पर भी यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलता। तो करना क्या है ना, आपको वो चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ये मैच होने वाला है आज, ओके, आज ये मैच होने वाला है 7:30 से, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो 5 रुपया मात्र आपका लगने वाला है, यहाँ पर देखो गाइस 5 रुपया लिखा गया है ना। तो अगर आप इस वाले मैच में टीम बनाना चाहते हो, ओके, इस वाले मैच में अगर आप टीम बनाना चाहते हो तो आपको 5 रुपया लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप इस पर 5 रुपये वाले पे क्लिक करोगे, लोडिंग होगा, क्रिएट योर टीम का ऑप्शन चलाएगा दोस्त, क्रिएट योर टीम का ऑप्शन आ गया है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, पिक दिस टीम। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने मन से टीम बनाना चाहते हो तो ऊपर की तरफ जा सकते हो, अगर आपको दूसरे के मन से टीम बनाना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पिक अ टीम बाई एक्सपर्ट, ओके, यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे टीम बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और भी टीम देख सकते हो। तो आप जो भी टीम लेना चाहते हो पिक दिस टीम पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर से पिक दिस टीम पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हो नीचे। नहीं तो अगर आपको अपना टीम बनाना है तो अपना टीम बनाने के लिए क्रिएट योर ऑन टीम पर क्लिक करना है, और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो लोग पॉइंट्स के बारे में बताए गए, ओके, पॉइंट्स के बारे में बताए गए हैं, एक रन मारेगा तो एक पॉइंट होगा, एक विकेट अगर लेता है आपने जो चूज किया है प्लेयर्स तो 25 पॉइंट मिलेगा, एक कैच का 8 पॉइंट मिलने वाला है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है प्लेयर्स, जी हाँ आपको सेलेक्ट करना है प्लेयर्स। तो यार देखो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए कुछ करना नहीं, प्लस वाले पे क्लिक करना होता है, जी हाँ ये जो आप लोग प्लस वाले पे क्लिक कर रहे हो ना, और ऊपर में देखो ये लाइन जो है भर रहा है, ध्यान देना अभी 4 हुआ है, ये देखो 5 हो गया, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में जो है यहाँ पर नंबर जो है घट रहा है और बढ़ रहा है, ओके, तो आप यहाँ पर बढ़ा और घटा यहाँ पर से सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तो W के चुन लिया, उसके बाद बैट वाले में आओगे तो यहाँ पर भी आपको चूज कर लेना है, ओके, यहाँ पर आप चूज कर लोगे यहाँ पर 4 प्लेयर को, रोहित शर्मा वगैरह को। उसके बाद AR में चले आओगे, यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या को चूज कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर बॉलिंग वाले ऑप्शन में चले आते हो, तो यहाँ पर मैं चलो बॉलिंग वाले ऑप्शन में चलाता हूँ, बॉलिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ किसको गाइज, यहाँ पर यही सही लग रहा है मेरे को फर्स्ट नंबर। और उसके बाद आप जैसे ही इतना कुछ कर लोगे, ऊपर में देख सकते हो 11 प्लेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आपने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए, ओके, 11 प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस पर फोकस मत करना क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इस पर आप लोग फोकस मत करना। यहाँ पर आप जैसे ही 11 टीम चूज कर लोगे, नीचे ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का, तो प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो आपने जो जो सेलेक्ट किया है वो सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ओके, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपको बैक करने के लिए ऊपर कट वाले पे क्लिक करना है, नीचे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है, नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर चूज करना है गाइज कैप्टन और वॉइस कैप्टन, तो आप यहाँ पर देख लेना वॉइस कैप्टन, तो यहाँ पर मैं ये कर लेता हूँ, ओके, और हार्दिक पांड्या। उसके बाद नीचे सेव, आपको यहाँ पर एक एक सेलेक्ट करना जरूरी है, कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना जरूरी है, याद रखना, आप जब तक ये सेलेक्ट करोगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो नीचे सेव पर आप लोगों को सीधा सा क्लिक कर देना है दोस्त, जैसे ही सेव पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप यहाँ पर चले आओगे, ओके, आप यहाँ पर चले आओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर नीचे क्लियर मेंशन किया गया है वेरीफाई टू ऐड 5 रुपया, ओके, आपको यहाँ पर वेरीफाई करने की जरूरत। तो सबसे पहले तो यहाँ पर से मैं जितना भी बैकग्राउंड में चल रहा है सब कुछ मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मेरा जो ये ब्राइटनेस है वो मैं कम कर देता हूँ क्योंकि लग रहा है हमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस को कम कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना गाइज, यहाँ पर वेरीफाई टू ऐड 5 रुपया है, तो इस पर क्लिक करोगे, ओके, फर्स्ट टाइम आपको क्लिक करना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ पर आधार नंबर और यहाँ पर आधार भैया OTP पर क्लिक कर सकते हो, आधार भैया OTP पर क्लिक करता हूँ, ओके,
और यहाँ पर इंटर आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है दोस्त। तो आपको सीधा सा यहाँ पर आधार नंबर डालना है, तो चलो मैं यहाँ पर आधार नंबर डालता हूँ। उसके बाद मैं फाइनली दूसरा फोन लेकर आ चुका हूँ। ओके, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है गाइस, तो यहाँ पर मैं जो है आधार नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। ओके ना, ओके, यहाँ पर आधार नंबर जैसे ही डालोगे वेरीफाई आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका लोडिंग होगा और यहाँ पर आपके फोन पर आएगा ओटीपी। ओके, आपके फोन पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने डाल दिया है इंटर ओटीपी सेंड वी आधार कार्ड लिंक्ड, तो मतलब इसी फोन पर ओटीपी आना चाहिए जहाँ तक हमें बताए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ सकता है गाइज, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हो, तो आधार कार्ड को ओटीपी आने में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फिलहाल अभी तो आया नहीं है जहाँ तक मैंने सही डाला था। आई थिंक रिसेंड पर क्लिक करना, अगर आपका एक बार में ओटीपी ना आए तो रिसेंड पर आप लोग क्लिक करोगे, ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर ओटीपी वापस से आएगा, देखता हूँ गाइज, मैंने ओटीपी आधार नंबर सही डाला था यानी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैक कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने आधार नंबर सही डाला है, बट यहाँ पर ओटीपी जो है मेरे पास, ओटीपी देख सकते हो गाइज, अब भी आया है ओटीपी फाइनली। तो यार ये तो गलत बात है ना भाई, मतलब यार देखो ओटीपी थोड़ा सा लेट से आता है, याद रखना गाइज, ओटीपी आपका लेट से आएगा, याद रखना। यहाँ पर देख सकते हो मैं ये वाला ओटीपी डालकर देखता हूँ, अलाउ पर क्लिक करता हूँ, ओटीपी आपका आ गया और यहाँ पर आपका आधार कार्ड जो है वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही ओटीपी डाल दोगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। शेयर लोकेशन का ऑप्शन आएगा, तो शेयर लोकेशन पर आपको क्लिक करना है, अलाउ यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है और आप डायरेक्टली यहाँ पर चले आओगे। ओके, यहाँ पर आने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो, आपका आधार कार्ड तो वेरीफाई हो चुका है ना। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो फोन पे से पेमेंट करो, गूगल पे से पेमेंट करो, या फिर फ्लिपकार्ट से कर सकते हो, अमेजन प्ले या डायरेक्ट नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर करने वाला हूँ फोन पे से, तो ऐड पर पे क्लिक करूँगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा ये चीज़, तो ओके, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं सीधा ₹5 यहाँ पर मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे ही क्लिक करूंगा ओके ना, तो ये हमारा पेमेंट जो है यहाँ पर हो जाएगा। होने के बाद ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा, ये चीज़ देख सकते हो, और यहाँ पर ज्वाइंट कंटेस्ट का ऑप्शन आएगा, ज्वाइंट कंटेस्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ पर फाइनली जो है कंटेस्ट ज्वाइन सक्सेसफुली आ चुका है। अलाउ नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, अलाउ पर क्लिक कर देना, तो आपने जो है पैसा वो लगा चुके हो गाइस। अब यहाँ पर पता चलेगा कि आखिर आपका पैसा लगा कहाँ है। अब मान लो आपने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, ड्रीम इलेवन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, माई मैचेस नीचे का ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा माई मैचेस का, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपने लगाया है ना मैच, टीम वगैरह लगाया है, ये आपका टीम यहाँ पर शो करने वाला है। माई कॉन्टेस्ट में जाओगे, यहाँ पर आपका जो है दिख जाएगा, देखने को मिलेगा। ओके, ओके ना, तो यहाँ पर मैंने ₹5 मात्र लगाया है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, मात्र मैंने यहाँ पर ₹5 लगाया थे, एंट्री फी ₹5, और जहाँ तक हमें पता है एड टीम 59, माई कॉन्टेस्ट माई टीम, माई टीम यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये चीज़ है। बाकी जो चीज़ें थी वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, बाकी विड्रॉल करने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो वगैरह में बता दूंगा, एक ही वीडियो में इतना कुछ बता पाना मुश्किल है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आप पैसे को कैसे विड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप सही प्रिडिक्शन कर सकते हो, कैसे आप गेम प्ले कर सकते हो, कैसे आप विनिंग, देखो करोड़पति तो बनने का मैं दावा नहीं कर सकता दोस्त, बट हाँ आप अर्निंग कैसे कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। ओके,
बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही था और कुछ नहीं। चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी सब्सक्राइब करके आप अगर आप ड्रीम इलेवन का अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको मैं डायरेक्टली नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना। फाइनली मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट आई विल ट्राई कि हाँ सही दे सकूँ। बाकी आपकी इच्छा है, जो करना है करो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। थैंक यू, टेक केयर।